जा रहा है कि पानी आ चुका है और भाई यहाँ पे धीरे धीरे आना, यहाँ से गिर मत जाना। जो बच्चे आ रहे हैं चलो आ जाओ एक बार, आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत बुरा हाल है भाई। मतलब बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो नीचे से आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब जंगल भरा, घना जंगल भरा जो है, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है, जानवर वगैरह का कुछ नहीं पता है कि किस टाइम पर क्या हो जाए। तो आज जो हम बताते हैं, एक बार कैमरा मैन आ जाओ जल्दी जल्दी, दिखाते हैं आपको। अच्छा ये भाई इनके बच्चे हैं, यहाँ पर घूम रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है, अभी कौन सा जानवर आके इनको काट ले। मतलब वही बात है, फैकल्टी की भी, मतलब फैकल्टी भी इनको जरूरी होती है। और मैं आपको बता दूं, देखो ये है जुगिया। तो अंकल ये मतलब बिल्कुल भर चुकी थी क्या? ये बिल्कुल, इतना पानी था तकरीबन, इतना अच्छा, इतना पानी था। तो यहाँ पे लगी भी हुई है, देख दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे गायर लगी हुई है भाई, ये देख सकते हो सारे की सारी, ये प्रूफ है, ये प्रूफ है। देखो ये यहाँ से देख लो भाई, ये देखो ये पपड़ी जमी हुई है धूल मिट्टी की, ये सारा पानी था। अच्छा ये सारा पानी था, ये सारा पानी था यहाँ पर, सारा पानी मतलब बिल्कुल बर्बाद हो चुका था सारा एरिया। अच्छा जो टॉयलेट की सहूलियत थी वो भी गिर चुकी है बिल्कुल। अभी देखिए मानस, मतलब आपके रहन सहन के लिए जो जगह है ये सरकार ने बनवाई थी या आपने खुद ही बनाई थी? ये सरकार नहीं है, ही सरकार के आर्डर से ही यहाँ पर हम शिफ्ट हुए थे। इधर आ जाओ, मतलब अंदर की तरफ दिखाओ एक बार इसको, एक बार इसको अंदर की तरफ दिखाओ, अंदर की तरफ पे मतलब किस प्रकार से हो चुका है, किस प्रकार से नहीं, सारे के सारे दर्शकों को हम दिखाते हैं भाई। आ जाओ एक बार, ए ले भाई, यह है बस्ती। लोग ये पाकिस्तान से आए हुए हैं, वहाँ के वंशज हैं, लेकिन इनका कहना कि हमारा जो इंडिया के अंदर है यहीं पर ही मन लगता है। और दिखा देते हैं आपको, ये देखो यहाँ पे आ गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे एक पाकिस्तानी जो है छोटा एक कस्बा बसाया हुआ इन्होंने, हम बोल सकते हैं ये पाकिस्तानी एक कस्बा ही आपने बनाया। ये हिंदुस्तान की मोहब्बत में आए हुए सिंध से हिंदू परिवार है यहाँ पर, अच्छे भविष्य के लिए, ये देखिए अच्छे भविष्य की उम्मीद में आए हुए। ये अंदर की तरफ भी दिखाई देगा कैमरा मैन एक बार, बिल्कुल गैर से जैसे है, बिल्कुल दलदली भूमि हो चुकी है, यहाँ पर खड़ा होना भी जो है बिल्कुल खतरे के लिए खाली नहीं है। ट्यूशन सेंटर होता था क्या? ट्यूशन सेंटर यहाँ पर, यहाँ पे ट्यूशन सेंटर होता था, कहा जा रहा है कि बच्चों को पढ़ाते थे। आ जाओ भाई कैमरा मैन एक बार, ये यहाँ पर भजन कीर्तन होता था। अच्छा यहाँ पे देख लो भाई, एक और बड़ी सूचना है, यहाँ पर भजन कीर्तन होता था, यहाँ पर बजरंगबली की मूर्ति लगी हुई है, श्री कृष्ण जी की मूर्ति लगी हुई है। कहने का मतलब आप ये बताओ अंकल जी, जैसे पाकिस्तान में तो लोग जो है ये अल्लाह उल्लाह इनको पूजते हैं, आप इनको पूजते हुए? बस इनकी दिल में बसे हुए परमात्मा की मूर्ति, इनकी मोहब्बत में भगवत गीता को और हम सब कुछ त्याग दिया, हमारे घर थे, बाहर थे, हवेली नवा घर थे, बहुत कुछ था लेकिन सब कुछ त्याग दिया, बस श्रीमद् भागवत गीता लेकर आगे, बस अपने बच्चों का हाथ पकड़ कर आगे। लो एक बार आगे भी आ जाओ कैमरा मैन, ये पूरी बस्ती दिखाते हैं किस प्रकार से जो है ये पूरी की पूरी बस्ती बर्बाद हो चुकी है। कैमरा मैन एक बार आगे चलते, इंसान कैसे रहे इसमें बताइए? सही बात है, मतलब कैसे रहे इंसान, कैसे रह सकता है, मतलब आपको ये सारा, ये देख लो भाई ये सारा का सारा फर्नीचर जो है वो बिल्कुल नहीं मिला, हाँ बर्बाद हो चुका है बिल्कुल। ये देख लो भाई, इस प्रकार से जिंदगी बर्बाद होती है लोगों की, जहाँ पर कोई संभालने वाला नहीं होता ना लोगों को, तो ऐसे जिंदगी जो है बर्बाद होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो भूमि हो दलदली, मतलब गहरा इतनी दलदली हो चुकी है कि यहाँ पर मतलब ज्यादा फिसलन तो नहीं है, लेकिन थोड़े दिनों की बात करूँ मैं, थोड़े दिनों पहले यहाँ पर फिसलन ज्यादा थी। खाने पीने की अशिया थी, ये देख ये दाल थी, अच्छा ये दाल चावल थे, इसको भी हम नहीं निकाल सके। आप खुद कहने का मतलब खाने पीने की भी जो है आपको कमी हो चुकी है। ये सारे पंखे ये भी टूट फूट के शिकार है, सारा फर्नीचर देख लो भाई, ये पंखे बस सारे टूट चुके हैं। आज आगे दिखावा एक बार, आज भाई कैमरा मैन एक बार, ये हमारे यहाँ के प्रमुख है जी,
श्री लालचंद महाराज जी। अच्छा, ये श्री लालचंद महाराज जी, मतलब आपने जो पाकिस्तानी जो बस्ती बसाई हुई है, किसी ने प्रधान किसी ने मुखिया ऐसे बना रखा है? ये जो हमने जत्थेदार, मतलब रूल रेगुलेशन से रहते हो आप अपने हिसाब से? था जत्थे वाले हमले के आए थे ना हिंदुस्तान में, हमने बोला बहुत हिंदू है, लो भाई देख लो यहाँ पे देख लो भाई, धर्म के लिए बचाने के लिए हम तो हिंदुस्तान में आए हैं, अपना मुल्क छोड़ दिया और अपना धर्म नहीं छोड़ा, जितने भी यहाँ शरणार्थी परिवार है अपना धर्म नहीं छोड़ा, हमें एक एक परिवार है हमारा भाई बहन, मतलब अभी आप हिंदू धर्म में विश्वास रखते वही अपन वही आपने अपनाया हुआ है, अपना मुल्क छोड़ दिया। चलो वहां को चलते हैं यार, क्या रे कपड़े वपड़े यहीं यहीं आ जाओ भाई, कैमरामैन एक बार आ जाओ आगे आगे आ जाओ जी, आ जाओ भाई देख लो भाई, अड़े पूरी की पूरी बस्ती का जो है बुरा हाल हो चुका है, जिस प्रकार से मेरे को ये लगता है जैसे पाकिस्तान में घर होते ना, इसी प्रकार से ऐसी ये बस्ती बनाई हुई है, ये मतलब एक मंदिर है भाई, ये कृष्ण भगवान का मंदिर बनाया हुआ है, ये गुलाब का फूल था, तुलसी थी। अच्छा वहाँ पे तुलसी थी, आ जाओ भाई एक बार आ जाओ, कहने का मतलब ये जो आए पाकिस्तान से लेकिन पूरा हिंदू धर्म को अपनाते हैं, वह पूजा पाठ भी जो है ये हिंदू धर्म, जैसे भगवान श्री कृष्ण हो गया, भोलेनाथ हो गया, मतलब ऐसे ही जो धर्मों की जो है पूजा करते हैं ऐसी भगवानों की। ओ भाई यहाँ तो कीचड़ बहुत ज्यादा है, ये बहुत से यहाँ पर आए थे पानी के अंदर भी शूट हुए। आ जाओ भाई एक बार, कैमरामैन आ जाओ, ये तो चलो कीचड़ है, ये लो भाई बिल्कुल, कहने का मतलब बिल्कुल सावधानी पूर्वक यहाँ पे चलना पड़ेगा ताकि आगे फिसलन ना हो, ताकि हम भी यहाँ पे गिर सकते हैं, तो धीरे से ही चलते हैं यहाँ पर, कैमरामैन धीरे से चलना भाई, वहाँ पानी दिखा दे एक बार, देखो अब भी पानी इन बस्तियों में जो है चढ़ा हुआ है, दाखिल हो रहा है, आप खुद देखिए, अब दोबारा यहाँ से जो है पानी जो एंटर हो चुका है, जिससे पहले तो बहुत ज्यादा बर्बादी हो चुकी थी लेकिन अब भी और भी ज्यादा यहाँ पे बर्बादी जो है हो चुकी है। आगे प्रधान जी हमारे साथ चल रहे हैं, जो कि इन्होंने प्रधान जी बनाए, और मुखिया साहब जी लालचंद जी भी हमारे साथ चल रहे हैं, और सीताराम जी हमारे साथ चल रहे हैं, और देख लो भाई दिखा दे रहे, ऐसे होते लोगों की जिंदगी बर्बाद। तो यहाँ पर क्या था अंकल जी? यहाँ पर ये मानस रहते थे, इंसान रहते थे, इंसान मतलब बैठते थे, घर था, ये घर था, मानस अच्छा, घर था ये बिल्कुल बर्बाद हो चुका, यहाँ पर रहते थे इंसान, रहते थे। तो पूरा भी रोड पे है, अभी तक 15 दिन हो गए हैं, कोई हिंदुस्तान गवर्नमेंट के तरफ से कोई ऐसा मैन बंदा नहीं आया है, कोई हमारे लिए पैकेज का ऐलान नहीं हुआ है, कोई यहाँ पर कोई मलबा डालकर ऊंचा कर देंगे या कोई नए सिरे से झुकी हुई बना, हम आस में कितने परिवार हो आप यहाँ? तकरीबन 100 के करीब परिवार है यहाँ, 100 के करीब परिवार, 100 सदस्य है, मतलब 100 परिवार, 100 है, सदस्य कितने? तकरीबन 400 के करीब सदस्य हैं, 400 के करीब छोटे बड़े लोग हैं। अच्छा, मतलब लोग वोट लेने आ जाते हैं लेकिन जब बारी आती है, लेकिन यहाँ पर है ना दिल्ली को अभी तक हमारे वोट नहीं बनी, वोट की ताकत नहीं आई, जब वोट बन जाएगी जब बस्ती भी आपकी बन जाएगी, परमात्मा करे हमारा जीवन सफल हो जाए, हम तो चलो चले जाएंगे, गुजर जाएंगे, बस छोटे छोटे बच्चे ये आस में है कि कहीं इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, इन बच्चों का भविष्य खराब ना हो, तो अब लास्ट में आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यहाँ पर तकरीबन 70-80 बच्चे हैं इतनी सी उम्र के, हमें कम से कम ई रक्षा ये दे दीजिए, हम इनको पढ़ाना चाहते हैं, हमारा जीवन तो चलो चला गया, सफल हो गया या नरक हो गया या स्वर्ग हो गया, हमें तो कोई सहूलत नहीं मिली, कम से कम इन बच्चों का जीवन सफल हो जाए, और कोई भी दर्द दिल रखने वाला मानस हमारे से डायरेक्ट मिले, एनजीओ के थ्रू मिलते हैं या कोई और, मोबाइल नंबर बता दो जो आपसे डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ के 70-65-43-50-55। अच्छा, 70-65-43-50-55। कोई भी सर से कांटेक्ट करना चाहता है, इनकी हेल्प करना चाहता है, तो इस वीडियो पे मतलब इस जो नंबर दिया सर ने, इनसे कांटेक्ट कीजिए, और कांटेक्ट करके इनको जो भी हेल्प करना चाहता है, किसी भी प्रकार की खाने पीने की जो भी हेल्प करना चाहता है, कर दिए। जय हिंद, जय भारत, लाजवाब।